जब रिटेलर्स का टोटल मार्जिन ही 18-20% के आसपास होता है, 24% के आसपास होता है, तो किस तरह जितने भी ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर है वो 25% तक डिस्काउंट दे सकते हैं अपने यूजर्स को, किस तरह ये पॉसिबल है। हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा कि ई कॉमर्स या ई फार्मेसी जितनी होती है वो 25% से ज्यादा मार्जिन कैसे दे सकती है जबकि रिटेलर्स का मार्जिन 18-20% या 25% के आसपास ही रहता है। इसके अलावा इस क्वेरी में ये भी इंक्लूड है कि अगर हम फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स रहेंगे अगर हम 15-20% डिस्काउंट अपने कस्टमर को दे, और क्या एक फार्मेसी स्टोर डायरेक्टली कंपनी या सीनडिप से माल खरीद सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के मार्जिन को अवॉइड कर सकता है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन फार्मेसी की बात करते हैं तो जो मार्जिन देती है वो अप टू देती है, अप टू 25%, अप टू 20%, अप टू 30%, अप टू 15%। एक्चुअली वो हर प्रोडक्ट पे एक जितना मार्जिन नहीं देती, एक जितना डिस्काउंट नहीं देती, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं तो बहुत कम ब्रांड या बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जो कम मार्जिन देती है। ज्यादातर कंपनियां एक अच्छा मार्जिन देती है, प्लस ऑफर देती है, स्कीम देती है, और वो ऑफलाइन रिटेलर्स को भी देती है, ऑनलाइन रिटेलर्स को भी देती है। और इनमें से अगर हम जेनरिक और दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनमें तो बहुत ज्यादा मार्जिन का डिफरेंस होता है। उनकी कॉस्ट अगर लगा लो आप 35 रुपए है तो उनका MRP 100 रुपए होगा, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मार्जिन में। तो अगर हम ओवरऑल लगा के चलते हैं तो 25% का जो डिस्काउंट है, अगर आप अपने मार्जिन को थोड़ा मिनिमम लेके चलते हो, जो ई कॉमर्स ई फार्मेसी वेबसाइट स्टार्टिंग में करती है अपनी एक प्रेजेंस बनाने के लिए, तो 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट कोई ज्यादा नहीं होता फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वो एक कॉमन चीज होती है और कोई बड़ी डील नहीं है 25% मार्जिन देना। सेकंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, ऑनलाइन फार्मेसीज होती है, तो उनकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। तो उनकी कंजम्पशन अगर बहुत ज्यादा होती है तो वो एक तो खुद का ही होलसेल डिपो रखती है, तो वहां से वो डायरेक्टली कंपनी या उसके C&F या उसके डिपो से डायरेक्टली मंगा लेती है, तो जो मार्जिन होलसेल का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन बीच में होता है, तो वो भी उनका कट हो जाता है, तो उनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो बढ़ जाता है। और जब आपके पास एक हाई कंजप्शन होती है तो आप बार्गेनिंग की सिचुएशन में आ जाते हैं, आप बेटर डील कंपनी से अपने लिए ले सकते हैं। तीसरा रीजन जो मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ होता है वही फार्मेसी वेबसाइट्स के साथ होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है और उस इन्वेस्टमेंट को उसको अपने मार्केटिंग पे, सेल बढ़ाने पे, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने पे खर्च करना होता है। तो ई कॉमर्स स्पेस में हमने बहुत देखा है कि वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए लॉस में भी काम करने को तैयार रहती है। तो कभी कभी अगर किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट पे उनको डिस्काउंट मिल भी नहीं रहा होता है कंपनी से, तो जो उनके पास इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा आ रहा है, उससे वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए लॉस सहन करने की ताकत रखती है ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके और ज्यादा से ज्यादा रीच मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, एक अच्छी रीच ले सके लोगों के बीच में। इससे उनकी और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ती है, तो उनको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेने में मदद मिलती है। तो ऑनलाइन स्पेस में ये भी चलता है, कभी कभी वो लॉस में काम करना भी पसंद करती है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। तो आप कुछ इनसे जुड़े हुए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आपको रिटेल फार्मेसी शुरू करनी है तो क्या स्टेप रहेंगे, उसके बारे में हम अपने कई वीडियो में बात कर चुके हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप स्टेप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको रिटेल फार्मेसी बिजनेस शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर 15-20% डिस्काउंट देने की बात है तो मोस्टली प्रोडक्ट पे अगर आप रिटेल सेक्टर में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मोस्टली प्रोडक्ट पे 15-20% मार्जिन देने में, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के जिनमें आप इतना डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि एक रिटेलर डायरेक्टली कंपनी है C&F से खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। तो अगर आपकी कंजप्शन अच्छी है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल रुकावटें आपको आ सकती है कुछ, जैसे कि रिटेल में आपको बहुत सारी कंपनियों की वैरायटी रखनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट आपको हर ब्रांड रखना पड़ेगा जो आपके एरिया में चलता है, तो वो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, 100-150 कंपनियों की लिस्ट वहां पे हो जाएगी, ज्यादा की भी हो सकती है। तो हर कंपनी से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, हर कंपनी से आप डायरेक्टली माल नहीं मंगा सकते, हर कंपनी का C&F आपके शहर में नहीं होगा, हो सकता है वो एक मेजर सिटी में हो या आपसे दूर लोकेशन पे हो। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो अपना मार्जिन जरूर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आपके काउंटर पे सप्लाई करके जाएंगे, पेमेंट आपसे खुद लेने आएंगे। तो अगर आप डायरेक्टली कंपनी या C&F से लेना चाहते हो तो आपको एक बहुत बड़ा सेटअप वहां पे बनाना पड़ेगा, आपकी कंजप्शन भी अच्छी होनी चाहिए। तो स्मॉल लेवल पे जब कोई आपको देने आएगा तो थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि ये ज्यादा इजी मेथड है कि होलसेलर आपको सप्लाई कर रहा है और पेमेंट में भी आपको कम
कंसेशन दे रहा है कि भाई आप उसको वीकली दे सकते हो, मंथली दे सकते हो और आपको अच्छी सर्विस मिल रही है। तो छोटे लेवल पे आप इतने ज्यादा हेडेक नहीं लेना चाहोगे कि आप 100-150 कंपनियों के साथ टाई अप करो, क्योंकि उसके लिए आपको एक बहुत बड़े सेटअप की जरूरत होगी, बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और आपकी कंजप्शन एक बॉक्स की होगी या 5 पीस की होगी वीक में या 10 दिन में या 2 दिन में या मंथ में। तो ये और ये चीज को और इम्प्रैक्टिकल बना देगी। तो ई फार्मेसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को अगर आप अच्छी तरह क्लेरिफाई कर सकते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।